हम एक पोएम की समरी के बारे में बात करना चाह रहे हैं। उस पोएम का नाम है टाइगर इन अ जू। उस पोएम को लेस्ली नॉरिस ने लिखा है। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मतलब तुलना करना, ए टाइगर इन अ जू इन हिज केज विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटाट। नेचुरल हैबिटाट मतलब प्राकृतिक आवास, मतलब इसमें दो शेर के बारे में बात करी गई है, जो एक केज में बंद है और जो दूसरा प्राकृतिक आवास से खुला है। द पोएट सेज दैट द टाइगर विथ हिज ब्राइट स्ट्राइप्स वॉक्स साइलेंटली ऑन हिज सॉफ्ट वेलवेट पॉज इन ए केज। पोएट ये कहना चाह रहा है कि जो पिंजरे वाला टाइगर है उसके ब्राइट स्ट्राइप्स है और साइलेंटली वॉक कर रहा है अपने पिंजरे के अंदर। ही इज एंग्री मूड, वो गुस्से वाले मूड में। द पोएट रिमार्क्स दैट द टाइगर शुड बीन हाइडिंग हिम इन द शेड एंड मूविंग थॉट टॉल ग्रासेज नियर ए पूल फ्रॉम वेयर चूबी डियर मूव्स ऑनवर्ड। मतलब जो पोएट कहना चाह रहा है कि जो पिंजरा खुले में जो शेर है वो उसे कहीं छुपा होना चाहिए, या तो तालाब के किनारे जो मोटे ताजे हिरण है उसका इंतजार करना चाहिए, या तो पास जंगलों के पास वाले गांवों में जाकर उन्हें डराना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश, द स्टैंड ऑफ द टाइगर हैज़ बीन लॉक्ड बिहाइंड कॉन्स्ट्रक्टेड सेल एट कॉन्स्ट्रक्टेड सेट। मतलब जो दुर्भाग्यवश जो शेर की ताकत है वो एक पिंजरे के अंदर बंद हो गई है। एट नाइट ही वॉच स्टार विथ हिज ब्रिलियंट आइज एंड लॉन्ग फॉर फ्रीडम। वो रात में सितारों को देखता है और अपनी आज़ादी के लिए मांग करता है। वेरी स्लोली एंड साइलेंटली द टाइगर मूव्स अप एंड डाउन अलोंग द लेंथ ऑफ केज। मतलब वो एक केज के अंदर ऊपर नीचे करता रहता है। ही टेक्स नो नोट्स ऑफ द विजिटर, और कुछ हिलचुल नहीं करता है जब कोई उसे देखने आता है। हु हैड कम टू द जू हैव ए लुक एट हिम, सब लोग जू में सिर्फ उसे ही देखने आते हैं। इवन एट नाइट ही रिमेन्स डिस्टर्ब ड्यू टू द नॉइज ऑफ द पेट्रोलिंग कार। जो कार में इधर उधर जाते हैं उसे उससे डिस्टर्ब भी होता है। पर हैप्स शायद ही इज आस्किंग हैवन वाई ही हैज बीन इम्प्रेनाइज देयर इम्प्रेजेंट देयर। मतलब शेर कहता है क्यों मुझे इस पिंजरे के अंदर बंद करके रखा है।